वेश्याव्रति के धंधे को बंद कराने के लिए पुलिस प्रशासन से नहीं मिली मदद तो इलाकाई लोगों ने हवन कर धंधे को बंद कराने के लिए भगवान से लगाई गुहार। गोविंदनगर थाना क्षेत्र के गुजेनी ए ब्लॉक में स्थित प्राथमिक स्कूल के पास गली में तकरीबन 30 सालों से हो रहे वेश्याव्रति के धंधे से परेशान होकर इलाकाई लोगों ने धंधे को बंद कराने के लिए पुलिस प्रशासन से कई बार मदद मांगी और कई विरोध प्रदर्शन भी किए। आपको बताते चलें, जिसके बावजूद धंधा बंद नहीं हुआ तो लोगों ने निराश होकर घर बेचकर पलायन कर जाने की बात कहकर अपने अपने घरों में घर बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए और साथ ही कहा कि इतनी सख्त सरकार होने के बावजूद अभी तक किसी ने किसी भी प्रकार से इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया है। पुलिस प्रशासन व उच्च अधिकारियों से कई बार शिकायत करने और लगभग 3 महीनों से लगातार विरोध प्रदर्शन करने व कई मुमकिन कोशिशें करने के बावजूद भी जब हो रहे इस घिनौने धंधे के मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया तो इलाकाई लोगों ने मायूस होकर आखिरकार गली में एकत्र होकर हवन पूजा पाठ कर भगवान को याद किया और उनसे अपने क्षेत्र में हो रहे इस वेश्याव्रति जैसे घिनौने धंधे को बंद कराने की गुहार लगाई। क्या था मामला, किस चक्कर में आज आप लोग हवन कर रहे हैं? आज ये वेश्याव्रति चलती है 35 साल से, बहुत बार हुआ लेकिन नहीं, यहाँ डेढ़ महीना से हम लोग लगी पड़ी हैं। रोज 10-12 तारीख को 2 महीना हो जाएंगे लगी पड़ी हैं लेकिन कोई कुछ सुनवाई, आते हैं चले जाते हैं, चलो ठीक हो जाएगा अपने अपने घर जा बता ऐसे ठीक हो जाएगा। प्रशासन आता है, माल जाता भैया, नोट जाता, वो कहती मेरे मुट्ठी में पुलिस चौकी थाना प्रशासन सब नेता, तुम क्या कर लोगे, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, देखो ना कमर बांधा है, किसको शर्म होती है घर में बैठती ना, आप बताइए। अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा भाई, अभी भी चल रहा, बंद कहाँ है? आप लोग तो शिकायत कर चुके, शिकायत कर चुकी, तो जब शिकायत करने वाले उखाड़ने वाले को है ही नहीं, हमने उससे कहा हमने हम घर में किसी दिन घुस के आग लगा देंगे सबको मारेंगे, तो कहते नहीं अपने हाथ में कानून नहीं लेना, बताइए क्या करें, आज हमको छुट्टी मिल जाए, आज हम उखाड़ के फेंक दें जड़ से, हम लोग भाई काफला है मेरे साथ 100-200 औरतें, जहाँ 100-200 औरतें खत्म कौन कर पाए, तो कहती है प्रशासन वह ना हाथ में लेना, अब कानून हाथ में नहीं लेना, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्या लगता है अब हमें क्या पता क्यों लग, माल जा रहा ना, नोट जा रहा, और क्या कहें, जब रुपया जा रहा हर महीना तो कहे कि प्रशासन करेगा, उसके खून लग गया, हड्डी चूसती है कुत्ता की तरह, कुत्ता हड्डी चूसता है ना तो वो अपने ही खून चूसता है। कितनी बार आपने प्रशासन से शिकायत करी? बहुत बार हो चुकी, कितनी बार, 5-6 बार तो हो ही चुकी, और 1.5 महीना तो 12 तारीख से बराबर चल रहा, इतना आदमी को मारते हैं यहाँ आते हैं, जो समझौते के लिए कहा था, समझौते के लिए वो यहाँ की आई थी दरोगा चौकी, दादा नगर की चौकी इंचार्ज लेडीज है, वहाँ से आई थी दरोगा इंचार्ज है, कौन है, उसने सबसे कहा था कि तुम लोग समझौता कर ले, हमने काहे का समझौता कर ले, काहे का समझौता करें, लड़ाई तो ही नहीं, काहे का समझौता करें, हम मतलब समझौता मतलब है हम आदमी बुला बुला के औरतें बुला बुला के लाए उनके यहाँ भेजे, समझौता मतलब क्या हुआ, इसका क्या समझौता करें बताइए आप। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।